हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है और आज हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि आपका क्विज का रहने वाला है। ठीक है, इसमें हम जियोग्राफी के ओनली क्वेश्चन करेंगे यानी कि भूगोल के, जो कि आपके एग्जाम्स में आने के चांस बनते हैं और ये हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे लेवल के हैं। देखिए, इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, अगर आप 10 में से 8 का जवाब दे देते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही हाई लेवल की और अच्छे लेवल की आपकी तैयारी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप इन क्वेश्चन के पहले खुद से जवाब देने की कोशिश करना और बाद में मेरे आंसर से मैच करना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन है, काली गंगा किस नदी का उपनाम है? चार ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, बेतवा नदी, शारदा नदी, यमुना नदी और चंबल नदी। और देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शारदा नदी। ठीक है, काली गंगा जो है वो शारदा नदी का उपनाम है। और बात कर लेते हैं हम यमुना नदी की, तो देखिए यमुना नदी को हम क्या बोलते हैं, खुला नाला। ठीक है, खुला नाला यमुना नदी को बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे लंबी सहायक नदी है, वो गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेकंड है हमारा, वेम्बनाड झील कहाँ पर अवस्थित है? और चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, तमिलनाडु, केरल, मिजोरम और तेलंगाना। और देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नियाग्रा जलप्रपात किन देशों से सीमा बनाता है? ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं और समय चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। और देखिए, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ये अमेरिका और कनाडा के साथ सीमा बनाता है। और बात करूँ नियाग्रा जलप्रपात की, तो देखिए ये जो है विश्व का सबसे छोटा जलप्रपात है, यानी कि सबसे लो लेवल का जलप्रपात है, सबसे नीचे स्तर का जलप्रपात है। और जो इसकी हाइट है वो है 53.6 मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि सबसे नीचे जलप्रपात कौन सा स्थित है, तो वो नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, हवाई द्वीप की खोज किसने की? ऑप्शन आपके सामने चारों स्क्रीन पर गिवन है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, कप्तान कुक ने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का बगीचा किस जगह का उपनाम है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपनाम से रिलेटेड तो आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन आते रहते हैं, ना केवल हरियाणा में बल्कि अदर एग्जाम्स में भी। और देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलोर। भारत का बगीचा जो है वो बेंगलोर को बोला जाता है। और एक बात और बताऊं आपको कि कपूरथला को देखिए बगीचों का शहर बोलते हैं। ठीक है, वो हमारे दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ये है बगीचों का शहर कपूरथला और भारत का बगीचा इट्स बेंगलोर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यह क्वेश्चन, हजारीबाग अभयारण्य कहां पर स्थित है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। उम्मीद है आपने सही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जायकवाड़ी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? और ये क्वेश्चन देखिए बहुत से एग्जाम्स में आ चुका है, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिला होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी पर स्थित है और ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की सबसे ऊंची झील कहां पर है? ऑप्शन गिवन है कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और मिजोरम। और इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन सी, सिक्किम। कुछ लोग कश्मीर पर जा रहे होंगे वुलर झील को लेकर, तो बिल्कुल गलत है। सबसे ऊंचाई पर जो स्थित झील है वो कौन सी है, चोलांगू झील है, जो कि हमारी सिक्किम में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने गिवन है और देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उमानंद। ठीक है, और ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और असम में है। ओके, अब देखिए सबसे जो है बड़ा नदी द्वीप की बात करूं तो वो भी जो है माजुली ही है, और ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये भी असम में है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है वो माजुली है और सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, उमानंद है। दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी असम पर स्थित है। और नेक्स्ट देखिएगा, 10वां क्वेश्चन, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ठीक है, इसको भारत का रूर भी बोला जाता है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं और ये हमारा रांची झारखंड में स्थित है, छोटा नागपुर का पठार। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो होगी वो होगी हमारी ऑप्शन सी, पारसनाथ। ओके, अब बात कर लेता हूँ मैं डोडा बेटा की, तो देखिए ये नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी है। बात करूँ मैं धूपगढ़ी की, तो ये सतपुड़ा की जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊँची चोटी है। और बात करूँ मैं अमरकंटक की, तो ये देखिए मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। यहाँ से नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों निकलती हैं।
तो गाइज ये थे आपके 10 क्वेश्चन, उम्मीद है आपने सही आंसर दिए होंगे। और क्विज कैसी लगी? क्विज अच्छी लगी हो तो बताना, इस क्विज को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।